हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ कि बॉक्सर में करंट नहीं आ रही है। कावासाकी की बॉक्सर है, वहाँ पे बजाज बॉक्सर भी है, दोनों बाइक को दिखाएंगे करंट क्यों नहीं आ रहा है, करंट कैसे लाते हैं इसमें, तो कहाँ कहाँ फॉल्ट हो सकता है, CDI में फॉल्ट है या फिर मैग्नेट कॉयल में फॉल्ट है या ST कॉयल में फॉल्ट है या वायरिंग में फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों, और किल स्विच में भी फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें किल स्विच दिया रहता है। तो कहाँ फॉल्ट है वही खोज के बताएंगे, कैसे ढूंढेंगे वो, कैसे पता करेंगे वो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अब तक के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो में और भी ज़बरदस्त वीडियो आने वाला दोस्तों। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं, टैंकी को निकाल लेते हैं, CDI को कैसे चेक करते हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों। अभी सारा जुगाड़ हो चुका है दोस्तों। तो ये मैंने एक तो इंडिकेटर ले लिया है, 10 नंबर वाला पाना, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सीट को खोलना है, टैंकी को खोलना है और अंदर पूरा एकदम खोल देना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है, इसको खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके का टैंकी को भी निकाल लेंगे और पूरा खोल देंगे दोस्तों, देख ही सकते हैं आप लोग। तो ये है हमारा ST कॉइल, CDI और अंदर में मैग्नेट है। अभी प्रॉब्लम ये है कि करंट नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहाँ ये देखिए, क्लिक मार रहा हूँ तो कोई करंट नहीं है दोस्तों। तो अभी करंट क्यों नहीं आ रहा वो पता लगाएंगे, पहले CDI खोल लेते हैं, ठीक है? CDI खोलने के बाद हमें लाल जो तार आता है इसमें, एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक हाथ में कैमरा रहता है और एक हाथ में काम होता है। तो अभी तक लाइव सब्सक्राइब और नहीं किए, कमेंट भी नहीं किए तो कर दो जल्दी, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है वीडियो बनाने में। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, तो ये जो लाल तार है इसमें मेरा करंट होना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं लाल तार में, ये जो लाल तार देख सकते हैं आप लोग, ये जो लाल तार वाला, इस साइड वाला एकदम कॉर्नर वाला, तो ये वाला, ठीक है, एक कॉर्नर वाला, तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें इंडिकेटर लगा के देखना है, ठीक है? इंडिकेटर एक तो यहाँ घुसाएंगे और दूसरा वाला बॉडी कर देंगे, माने बॉडी में ऐसे टच कर देंगे, तो ये इंडिकेटर अगर ग्लो करेगा किक मारने से तो समझ लेना कि मैग्नेट से करंट यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये करके पहले देख लेते, उसके बाद देखेंगे कहाँ लोचा है। तो अभी मैं पूरा वायरिंग चेक कर रहा था, तो ये जो इंडिकेटर है ये थोड़ा ज़्यादा पावर वाला आता है, पुरानी गाड़ियों में तो पावर थोड़ा कम आएगा, ठीक है? तो पुराना कॉइल मॉइल है तो इसलिए ये थोड़ा ग्लो कम कर रहा था, तो इसीलिए मैं लेकर आया था थोड़ा LED वाला। तो LED बिना एकदम 0 पावर में भी काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम हो सके ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है? तो अभी इसको जला के दिखाएंगे कैसे काम कर रहा ना हो रहा, तो CDI को कैसे चेक करेंगे कि CDI ठीक है ना है, वो सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो क्या करना है, अभी लाल तार है, लाल तार को CDI वगैरह जैक का जो लाल तार आता है हर गाड़ी में होता है लाल तार, तो उसी में लाल तार में इसको डाल देना है। ये मैं इसको डाल दिया, अब इसको क्या करना है, बॉडी कर देंगे, ठीक है? तो ये मेरा जो टैंकी की जगह जो नट था यहाँ दे के बॉडी कर देंगे इसको। दोस्तों बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाता है वीडियो बनाने में, ठीक है? तो अभी मैं इसको डाल चुका हूँ, अभी पता लग जाएगा कि मेरा मैग्नेट सही है कि नहीं, क्योंकि मैग्नेट से डायरेक्ट पावर CDI को आता है, CDI के बाद ST कॉइल में जाता है, ठीक है? तो ये पूरा लोचा था, तो अभी दिखा देते हैं क्या है ना है। अभी किक मारेंगे, अगर ये ग्लो कर जाएगा तो हमारा मैग्नेट सही है, तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देख ही सकते हैं आप लोग, तो मेरा मैग्नेट बिल्कुल ही ओके है, मैग्नेट कॉइल पावर दे रहा है हम लोगों को। तो अभी किक मारा, ये देखिए मैं किक मार रहा हूँ, ठीक है? तो जितना बार किक मारूंगा तो पूरा लाइव वीडियो छोड़ रहा है, कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये देखिए। तो अभी देख ही सकते यहाँ पे मैग्नेट से यहाँ तक करंट आ रहा है। अब चेक करेंगे यहाँ से, माने CDI से कॉइल को पावर मिल रही है कि नहीं, अगर पावर मिलेगा तो हमारा वायरिंग एकदम क्लियर है, ST कॉइल का भी फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। अब इसको कैसे पता लगाएंगे वीडियो में आगे बताता हूँ, पूरी वीडियो में बने रहे। तो अभी पता लगाएंगे कि CDI ठीक है कि नहीं। मैंने अभी CDI को इंस्टॉल कर लिया है, तो जो तार मार जो लाइट का था वो सब कुछ खोल के CDI को लगा लिया, अब पता लगाएंगे ST कॉइल और CDI
कि अभी जो वायरिंग है वो ठीक है कि नहीं और CDI ठीक है कि नहीं, तो इसको पता लें क्या करेंगे। माइनस तो माइनस में रहेगा, बॉडी टच रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, जो लाल तार आपको दिख रही है, मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर चुका हूँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे थोड़ा तार खींचना था। तो अभी क्या करेंगे, HT कॉइल का पॉजिटिव में ये लगा देंगे ये वाला, ठीक है। ये जो लाल तार है इसको HT कॉइल का पॉजिटिव में लगाएंगे। तो यहाँ आता है HT कॉइल का पॉजिटिव, दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा HT कॉइल का पॉजिटिव। तो यहाँ हम लोग डाल देंगे इसको, इसको अंदर घुसा के इसको लगा देंगे, ठीक है। तो अभी अगर ये ग्लो कर जाएगा तो मान लेंगे कि CDI एकदम ओके है, वायरिंग भी एकदम ओके है। तो अभी किक मार के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है हमारा CDI वीक है, ठीक है। CDI बिल्कुल ही वीक है, क्योंकि CDI से पावर कम दे रहा है, क्योंकि CDI को पावर एकदम ज़्यादा देना चाहिए था। तो फॉल्ट हम लोग को पता लग गया है कि CDI का फॉल्ट है दोस्तों। तो ऐसे ही ढूंढेंगे, अगले वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। और भी नए नए वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो बेनली वाला आने वाला है, ठीक है। इसको वायरिंग का थोड़ा दिखाएंगे, तो इसका भी वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो तब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके रख दो, अगला वीडियो ज़बरदस्त आने वाला दोस्तों।